नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीडर्स क्या कहते हैं कंपनी के, और कब तक आपकी CMD श्री राधेश्याम जी की बैल होगी और कब तक कंपनी स्टार्ट होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि कब तक कंपनी शुरू होगी और कब तक राधेश्याम जी को जमानत मिलेगी, उस बारे में। कृपया इस वीडियो ऑडियो को लास्ट तक और ध्यान से देखिए और सुनिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो मैं बोलना चाहता हूँ, मैंने बोला कि इसे कोची कुछ प्रणाम करता हूँ, छोटे हैं तो बहुत प्यार करता हूँ और बड़े हैं तो नमन करता हूँ। मैं इस ऑडियो से समर्थन हूँ, पूरा ऑडियो से समर्थन हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोनों ऑडियो आप जरूर सुने, पूरा सुनकर और अपनी टीम में ये दोनों चीजें जरूर भेजें। और यही मेरी फीलिंग्स है और यही मेरा कार्य और यही मेरा वर्क है जो इस बंदे ने बोला है। वास्तविकता में मेरे बहुत सारी ऑडियो इसलिए भेज पा रहा हूँ कि मिस यूज ज्यादा हो रही है और कुछ लोगों को तकलीफ भी हो रही है। तो मैं चाहता हूँ आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें और समर्थन करने की कोशिश करें। मैं आपके साथ हूँ, कंपनी आपके साथ है, जीत आखिर हमारी ही हो। दोस्तों नमस्कार, मैं भूषण चौधरी, आपका दोस्त। आज ये ऑडियो लाने का मतलब यही है, पिछले 3 दिन से मैं कम से कम 300 कॉल अटेंड कर चुका हूँ। हर किसी को एक ही जवाब दिया जाता है, हर किसी को एक ही बात में बोलता हूँ। जो बात हमने ऑडियो में पढ़ी, जो बात हमारे सम्मानी वकील साहब ने कही, बड़े बड़े लीडर्स कह रहे हैं, वही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ, हर कॉल के पीछे दोहरा रहा हूँ। फिर भी वही कॉल वही बात आप किसी भी व्हाट्सएप पे पोस्ट पढ़ते हो, उसके बाद कन्फर्म करने के लिए उस इंसान को फोन करते हो कि क्या ये सच है। सच है तभी लिखा जाता है, तभी बोला जाता है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि बड़े लीडर्स कॉल नहीं उठा रहे, बड़े लीडर्स के फोन नहीं लग रहे। दोस्तों, कानूनी पिछड़े होते हैं, ऐसा हो सकता है उनके कॉल ट्रेस हो रहे हो, ऐसा हो सकता है। जैसे मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, मुझे भी इनसे कॉल आ सकते हैं, तो बड़े लीडर्स को कितने कॉल आते होंगे। एक लीडर, एक इंसान कितने लोगों को कितनी बार जवाब दे सकता है। जैसे आप परेशान हो, वैसे बड़े लीडर्स परेशान है, हम सब एक ही चीज से परेशान है। कारण पचड़े आप जानते हो, समझते हो। पिछले ऑडियो में मैंने कहा था कि आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। जब आपको लगता है कि हमारी कंपनी सुचारू रूप से चले, हमारे भगवान आदरणीय CMD सर राधेश्याम जी बाहर आए, बाहर आने के बाद में अपना काम सुचारू रूप से चलाए, ये सब अगर आप चाहते भी हो, अंदर से चाहते हो, उनको भगवान मानते हो, आप उन पर ट्रस्ट भी करते हो, तो पेशेंस किस लिए रखा जाता है। आपको धैर्य बनाना ही पड़ेगा, ये कोर्ट का लफड़ा है। हम चाहते हैं कि हमारे भगवान CMD सर जल्दी बाहर आए, हमारी कंपनी चालू हो, और सामने वाली पार्टी चाहती है कि जितना ये मामला उलझे, जितने लोगों हम धैर्य ये बचा सके, उसको तोड़ सके, उतना ही केस को लंबा करिए। सामने वाली पार्टी चाहती है और हम चाहते हैं कि जल्दी की जल्दी ये बाहर निकले। हर दिन हर घंटे कोई नया अपडेट नहीं आ सकता है। आप संडे के दिन भी पूछते हो कि सर आज क्या अपडेट है। जब फ्राइडे को हमारे वकील साहब ने बोल दिया था कि मंडे को बेल एप्लीकेशन की जाएगी, जो 2 ऑलरेडी केसेस अपने से बने थे, वो 2 केसेस की भी, और ये जो केस चल रहा है इसका, तीनों की एक साथ में बेल लेंगे, तो उसके लिए सोमवार को पिटीशन फाइल होगी, मंगलवार को छुट्टी है गांधी जयंती की वजह से, बुधवार गुरुवार इसमें हियरिंग होके शायद गुरुवार शाम तक या बुधवार को ही कुछ अच्छा फैसला अपने सामने आ जाए। वो तो न्यायालय की प्रक्रिया है, सम्मानीय न्यायालय उसके बारे में सोचेगा, उनको अच्छा लगेगा तो उसके पहले अपनी टिप्पणी करना या उसके पहले अपनी बात रखना, ये भी गलत हो जाएगा। और हमारे जो सम्मानीय वकील साहब है, वो जाने माने वकील है, हम सबसे ज्यादा कानूनी प्रक्रिया उनको पता है। अगर वो हैंडल कर रहे हैं तो उन्होंने भी कुछ सोचा होगा और कुछ स्टडी है, उनके स्टडी के हिसाब से वो भी केस संभाल रहे हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि CMD सर कितने अच्छे इंसान है। हम सब जब बातों में एक दूसरे से बात करते हैं तो सर पे विश्वास भी रखते हैं, और सब पे सर पे जो विश्वास रख रहे हो तो इतना इम्पेशेंस होने की जरूरत किस चीज के लिए है। वक्त लगेगा, जरूर लगेगा, वक्त लगने के बाद में ही अपनी कंपनी स्टार्ट होगी। हर छोटे छोटे पहलू पे डिस्कस हो रहा है, हर छोटे छोटे पहलू पे कोर्ट में ऑब्जेक्शन लिया जाता है, और ऑब्जेक्शन लेने के बाद में हर ऑब्जेक्शन में हम खड़े उतर रहे हैं। देखिए, पहले तारीख से आप सोचिए, मनी लॉन्ड्री कहा गया, ब्लैक मनी कहा गया, चीट फंड कहा गया, थोड़ा बोगस से कहा गया, हमारे सर्टिफिकेट लोकल है ऐसा कहा गया, क्या ऐसा हुआ? इनमें से कुछ भी प्रूफ हो पाया? नहीं हो पाया। ये आरोप है, आरोप तो कुछ भी कर सकते हो, और आरोप करने के बाद में कोर्ट में वो आरोप को खंडन करना हमारा काम है।
हर चीज को एक एक चीज को खंडन करना पड़ता है, हर एक एक चीज को वहां पे सामने प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं ये गलत है, जिन्होंने आरोप लगाया ये गलत है। तो इस चीज के लिए वक्त लगना तो जरूरी है, वक्त तो लगेगा जरूर। और रही बात कोर्ट की, तो कोर्ट तुम्हारे हमारे भावनाओं से नहीं चलता है, कोर्ट चलता है तथ्यों के हिसाब से, कोर्ट चलता है लॉ के हिसाब से। कोर्ट के सामने हम जितने जितने 1.5 करोड़ लोग हैं, जितना हमारा महत्व है उतना जिसने कंप्लेंट की उसका भी उतना ही महत्व है, और दोनों तरफ से दिखाई देता है। इसलिए इन चीजों में वक्त लगता है, अभी हम बहुत ही नजदीक है। मैं नहीं जानता हूँ कि तारीख मैं आपको क्या बोलूँ, क्योंकि मेरी सोच मेरी बुद्धि उतनी ज्यादा नहीं है जितने बड़े लीडर जानते हैं। वो शायद कभी उनका कोई आइडिया आएगा, वो डरते भी ऑडियो से डालने के डरते हैं, क्योंकि उनका कोई ऑडियो आता है तो हम में से कुछ बेवकूफ लोगों को ऑडियो को यूट्यूब के माध्यम से बाहर पब्लिश करते हैं, क्योंकि वो लोग भी डरते हैं। तो दोस्तों जय फ्यूचर मेकर, जय राधे श्याम, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, जल्द से जल्द कंपनी शुरू हो, जिससे कि सभी की बेरोजगारी दूर हो और काम फिर से शुरू हो। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। आपको जाना है तो खुद जानिए, वो रिकॉर्डिंग किसी और को सुनाने के लिए आप सामने वाले बड़े लीडर्स का कॉल रिकॉर्ड करते हो, वो और किसी को बेचते हो, वो किसी और को बेचता है, और सारी सोशल मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे दुश्मन तक पहुंचता है, हमारे दुश्मन वो ऑडियो लेके पुलिस को सबमिट कर रहे हैं कि देखिए सर ये क्या बोल रहे हैं, गलती अपनी भी है। आप क्यों नहीं मान रहे हो कि गलती अपनी भी है, जिन जिन लोगों ने कॉल रिकॉर्ड किए, कॉल रिकॉर्ड करने के बाद में बाहर पब्लिश किए, उन लोगों की गलती नहीं है क्या? ये सोशल मीडिया में आप जब चाहे जिस तरीके से चाहो कोर्ट के सामने न्यायालय के आगे आप जाके अपना फैसला सुना देते हो, जिस किसी को भी कोर्ट की प्रक्रिया समझती नहीं है, न्यायालय क्या कर रहा है ये समझता नहीं है, उसके पहले आप जाके अपना फैसला सुना देते हो। दोस्तों हर कोई अपनी परेशानी में परेशान है, हर किसी की परेशानी उसके लेवल से बहुत बड़ी है, जितना मैं परेशान हूँ उतने आप हो, अपने से ज्यादा परेशान बड़े लीडर भी है, हर किसी को परेशानी है। और हर किसी के दिल में एक आस है, एक ही इच्छा है कि हमारी कंपनी सुचारू रूप से बहुत अच्छे तरीके से चले, और जो चलेगी इस चीज के लिए 10 दिन लग सकते हैं, 12 दिन लग सकते हैं, पर इस महीने के अंदर मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, एकदम स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, विश्वास लेके बोल रहा हूँ कि इस महीने के अंदर ये कंपनी चालू होगी, ये सारा पचड़ा मिटेगा, और पचड़ा मिटने के बाद में हम उसी लेवल उसी धंधा के साथ में काम करेंगे। तारीख आज इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि तारीख देने के बाद में आप लोग उसी तारीख को देख के कैलेंडर की तरफ कंटिन्यू देखते रहते हो और उस दिन के बाद में फिर आपका विश्वास टूटता है। विश्वास टूटना मत, हमारा विश्वास आदरणीय राधेश्याम जी के ऊपर है, कोर्ट अपने तरीके से काम कर रहे हैं, वकील साहब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, और जो बड़े लीडर्स तो वो सारे एक जगह पे आ चुके हैं। हम मानते हैं कि 20 तारीख तक बड़े लीडर एक जगह पे नहीं आए थे, यूनाइट नहीं हुए थे, पर आज वो एक जगह यूनाइट है, एक दूसरे के कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। उन लोगों की भी अपनी चिंता है, क्योंकि बड़े लीडर जानते हैं ये जो हमारे नीचे के डाउनलाइन है उसके लिए, उनकी वजह से ही हम आज इस पद पे पहुंचे हैं, इससे बड़े लेवल पे जा चुके हैं। बहुत सारे लोग बहुत से एफ आई आर उठा रहे हैं, लीडर आ गए हैं दूसरे कंपनी में ज्वाइन हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े लीडर जानते हैं कि डाउनलाइन की ताकत क्या होती है और किन डाउनलाइन की वजह से हम इतने लेवल तक हैं, वो सारी चीजें जानते हैं, वो पहचानते हैं, और वो बहुत क्लोज है, हर चीज वो ओपनली आपके सामने नहीं रख सकते हैं, रखना भी नहीं चाहिए। कुछ चीजें गोपनीय रखना उनके लिए बहुत अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि वो पहले हर चीज आपको बोलते थे, तो आप उनका ऑडियो बना के सारे ग्रुप पे फॉरवर्ड करते थे, और फॉरवर्ड होने के बाद में उनमें से कोई बेवकूफ इंसान उसको उठा के यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब पे डालता था। सोशल मीडिया जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे आप देख रहे हो, क्या पुलिस नहीं देखती होगी? क्या पुलिस के पास कोई ऐसी यंत्रणा नहीं है जो सोशल मीडिया पे नजर रखे? साइबराबाद का नाम साइबराबाद क्यों आपको पता होगा? हैदराबाद में जितना स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया पे नजर रखी जाती है शायद कहीं और भी रखी जाती है। अगर उनको लगता है कि इसको और लंबा खींचना है तो हर चीज पे ज्यादा बाकी से ध्यान रखेंगे, हर चीज को अपनी नजर से देखेंगे, हर चीज को यूज करने की कोशिश करेंगे। आपसे मेरी विनती फिर से एक बार रहेगी कि बार बार कॉल करने से, एक ही बात सुनने से आपको क्या लगता है कि वो चीज केस सॉल्व हो जाएगा?
जितना आपको परेशानी है, जितना आपको टेंशन है, आपके सारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं, जितने जिसने आपको प्रमोट किया है, या डायमंड है, क्राउन डायमंड है, प्लेटिनम है, जो भी लेवल आपके ऊपर के लीडर है, उनको परेशानी नहीं है, सबको परेशानी है, हर किसी को परेशानी है। मैं यहां तक मानता हूं कि हर लीडर को ये कानूनी पचड़ा नीचे वाले डाउनलाइन को समझाने में थोड़ी तकलीफ हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों अपना अपन जितने परेशान है उतने हमारे राधेश्याम जी जेल में। परेशान है, एक बार सोचिए तो सही, घर में लाइट बंद करके सोचिए दो घंटे के लिए बैठ के देखिए, बिना फैन के दो घंटे बैठ के देखिए, कोशिश करिए, आज के दिन कोशिश करिए, जिस जगह पे आप बैठे हो उस जगह को जेल बनाने की कोशिश करिए, किसी से बात मत करिए शाम तक, क्या दिक्कत होगी उस इंसान पे जिस इंसान ने 2000 लोगों को करोड़पति बना के रख दिया, हर घर में रोजगार दे दिया, उस इंसान पे क्या दिक्कत होगी, कभी सोचा है आपने? उनको भी तो चट्टा डोरी कि मैं जल्दी से जल्दी बाहर आऊं, इतना 1.5 करोड़ लोगों का मैंने परिवार बना के रखा है, उस परिवार में मैं आऊं, उसे बात करूं, उनके सारे सपने में फिर से एक बार साकार करने के लिए कोशिश करूं, उनको भी लगता होगा। हम 2-3 बार तेलंगाना जाके आए, वहां पे छोटे छोटे लीडर्स आ रहे हैं, वो इतने पॉजिटिव है कि मैं आपको बोल नहीं सकता हूं। और आप लोग घर में बैठे बैठे परेशानी करने की बात, परेशानी खड़े खड़े हो, कोई बोल रहे सर वो आपके ऑपरेशन में गया था, सर वो केस करने वाला था, सर ये वो करने वाला था, आप क्या कर रहे हो फिर, समझाओ उनको। और जो केस करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं कि 1.5 करोड़ लोग और परेशान हो? लोगों दोस्तों ऐसे लोगों ने केस किए जो अपने कंपनी से कभी जुड़े भी नहीं थे, और उन 3-4 लोगों की वजह से देखिए आप 1.5 करोड़ लोग आज परेशान हो। आपने किसी भी गलत कदम उठाया तो यकीन मानिए कि ये केस और लंबा खींचेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर अभी पूरा रिलाय करता है कि आप क्या करना चाहते हो। बड़े लीडर अपने तरीके से वो जरूर काम करें, वो पोस्ट डाल रहे हैं आप उसका गलत मतलब निकालते हैं, वो ऑडियो डाल दे रहे आप उसका गलत मतलब निकालते हैं, वो अपना कॉल रिसीव कर रहे आप रिकॉर्ड करने लग जाते हो, तो वो किस तरीके से आपसे खुल के बात करेंगे, कैसे चाहते हो कि आपसे वो खुल के बात करें, सामने आए। हमारी जो इच्छा थी, हमारी जो मंशा थी कि हमारे जो लीगल पैनल है वो सामने आके बात करे, वकील साहब ने प्राइड के दिन सामने आके बात की है कि हम वकील साहब से भी बड़े वकील हो गए, जो जो पी विष्णुवर्धन रेड्डी हमारे केस लड़ रहे हैं, क्या हम उनसे भी बड़े हो गए? अगर नहीं तो उन पर भरोसा करिए, विश्वास करिए, और कुछ दिन रुकिए, अपने आगे की प्लानिंग के बारे में सोचिए, आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, कानून को कानून का काम करने दीजिए, बड़े लीडर्स उनका भी काम कर रहे हैं, वकील साहब उनका काम कर रहे हैं, जो अपने हितेशी वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, और जो एक दो न्यूज़पेपर नेगेटिव बातें छापने में लगा हुआ है, जितना आप मिशन में अगर वो जानते हो, क्या वो रिपोर्टर जानता होगा, क्या उसको इतनी नॉलेज है कि उन्होंने इतने पैसे अपने इसमें लगाए, क्या उन्होंने अपने प्रोडक्ट खरीदे हैं कभी? अगर नहीं तो उनके हिसाब से वो लिखेंगे जरूर, उनको कोई जाके बोल रहे कि भैया उसमें ऐसा है, भैया लगाओ